तो भाई लोग आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले पबजी मोबाइल या फिर बोल सकते हैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के टेस्ला के साथ जो कोलैबोरेशन हुआ है उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। एंड यहाँ पर टेस्ला ट्रक को भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड मैंने अपनी कल की वीडियो में इस टेस्ला का बिल्डिंग दिखाया था, मतलब एक अपडेट्स के तौर पर वहाँ पर कल की वीडियो में बताया था। एंड मैंने बोला था कि अपनी किसी और नई वीडियो में आपको इसको दिखा दूंगा इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला जो कि आने वाले अपडेट में आपको हेल्प कर सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ न्यू फीचर्स बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो आपको इसके अंदर आते कुछ लूट्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप एकदम इजी लूट कर सकते हो, आपको हल्के फुल्के लूट देखने को मिल जाएंगे। बट आप इस बिल्डिंग के अंदर आपको एक एयर ड्रॉप देखने को मिलता है। यहाँ पे आप जो एक कार देख रहे हो यही कार यहाँ पे टेस्ला में कन्वर्ट होगी, मतलब टेस्ला कार बन के जाएगी। एंड यही कार आगे जाकर मशीन में गर्म होगी एंड आपको एक ड्रॉप के तौर पर ये देखने को मिलेगा जिसको आप लूट कर सकते हो। तो इसको एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे जो मशीन देखने को मिलता है आपको इसको ऑन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आ जाना है स्टेयर से, यहाँ पे आपको फर्स्ट मशीन देखने को मिल जाता है, मतलब इसको बोल सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड यहाँ पे आपको तीन ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन करना पड़ेगा, कैसे ऑपरेट करना है इसको। तो यहाँ पे अब मैं आपको तीनों लोकेशन बता देता हूँ जो कि अपडेट आते ही आप इसको यूज कर सकते हो। तो सेकंड जो है वो भी जस्ट इसके सामने, मतलब अपोजिट साइड। यहाँ पे मैं पहले इसको ऑन कर देता हूँ फिर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ओपन पे क्लिक करना है एंड ये जो आपका सिस्टम है ऑन हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैं आपको स्कोप से दिखा देता हूँ, वहाँ पे देख सकते हो आपको सामने दिख रहा होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो तो ये रहा हमारा फर्स्ट वाला एंड ये था सेकंड। एंड जो हमारा थर्ड है इसको ढूंढने में मुझे कम से कम 15 मिनट लग गए थे। तो यार बड़ी मुश्किल के बाद ये मिला, मुझे लगा था कि भाई मिलेगा भी नहीं, बट यहाँ पे मिल चुका है। एंड मैं आपको लोकेशन भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा लास्ट वाला है वो अपना जो कार का चक्का होता है, मतलब जहाँ पे टेस्ला कार का ट्रक का वो है टायर है, वहाँ टायर के सामने आपको एक रूम देखने को मिलेगा, उस रूम में है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो ट्रक है एंड इसके सामने वाले रूम में यहाँ पे इसका मतलब थर्ड वाला सिस्टम रखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो ये थर्ड वाला है, इसको ओपन करते ही आपका जो ट्रक है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ट्रक नहीं ये टेस्ला का कार है वो स्टार्ट हो जाएगा इसका मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पे देख सकते हो ये सब इसके अंजर पंजर जो ढीले थे उसको वापस यहाँ पे रिपेयर किया जा रहा है, मतलब न्यू कार बनाई जा रही है। यहाँ पे दरवाजे लग चुके हैं एंड उसके बाद यहाँ पे पता नहीं क्या किया जा रहा है, इसको थोड़ा उठा के एंड वापस इसको रख रहे हैं इस चक्के के ऊपर। एंड अभी देख सकते हो चक्का भी लग चुका है एंड अब इसको भेजेंगे अंदर हीट करने के लिए, क्या करता है अंदर, बट इसके साथ चमत्कार हो जाता है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे ये एक एयर ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यार ये फीचर आप यूज कर सकते हो, मतलब जैसे अपडेट आएगा, तो मैंने आपको तीनों लोकेशन बता दिया है। एंड जैसे 1.5 का अपडेट आएगा आपको 6 जुलाई के अंदर, तो आप अपने टीममेट को सरप्राइज कर सकते हो डायरेक्टली तीनों सिस्टम को ऑपरेट करके। एंड अगर आप सोलो खेल रहे हो तो सोलो प्लेयर्स ढूंढते रह जाएंगे, बट आप एकदम इजीली इन तीनों सिस्टम को एक्टिवेट करके इस एयर ड्रॉप को लूट करके आप यहाँ से जा सकते हो अपने टीममेट को बिना बताए। अगर आप अकेले लूटना चाहते हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। तो कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, मतलब ये फीचर कैसा लगा। एंड उसके बाद मैं आपको यहाँ पर टेस्ला लूट ट्रक भी दिखा देता हूँ जो कि यहाँ पर मैं अपनी सेवरनी की सुनसान गलियों से जा रहा था एंड मुझे लूट ट्रक देखने को मिल गई। यहाँ पर मैं अपनी सेवरनी की गलियों से जा रहा था एंड ये देख सकते हो यहाँ पर ये रहा हमारा लूट ट्रक एंड इसके अंदर यहाँ पर 10 पेटियाँ रखी हुई होती है। एंड इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूँ, डायरेक्टली बोलूँ, तो अगर आप 10 बंदों की पेटियाँ एक साथ लूटना चाहते हो तो इस ट्रक को हाईजेक कर लो एंड आपको 10 बंदों की पेटी की लूट मिल जाएगी। यहाँ पर ये जो ट्रक है इसकी मैक्सिमम स्पीड सिर्फ 50 किलोमीटर है एंड मैंने इसको रोकने का बहुत ही ट्राई किया बट मैं इसको रोक नहीं सका, मतलब जैसे हम बस को नहीं रोक सकते इसके सामने कुछ खड़े करके, तो ये भी मतलब बग्गी वग्गी से नहीं रुक रही थी, व्हीकल से आप इसको नहीं रोक सकते, टक्कर मार के निकल जाती है, ऑटो पायलट मोड पे है। एंड बट यहाँ पे मैंने इसको हाईजेक कर लिया बग्गी से डायरेक्टली जंप करके एंड डायरेक्टली इसको ड्राइव क्लिक करके मैंने इसको हाईजेक कर लिया। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये फुल्ली अभी मेरे कंट्रोल में आ चुका है। एंड यहाँ पे पबजी मोबाइल के अंदर ऑटो पायलट का एक न्यू सेटिंग आया हुआ था, तो बहुत से बंदे जानना चाह रहे होंगे कि ऑटो पायलट का फीचर किस में यूज होने वाला है। तो जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बता दिया था कि टेस्ला ट्रक के अंदर यूज होने वाला है, यहाँ पे देख सकते हो टेस्ला ट्रक है एंड इसके अंदर ऑटो पायलट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। एंड इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना के रख दी थी, मतलब यहाँ पे जो बस न्यू आया हुआ है इस बस को रोकने का मैंने बहुत ट्राई किया था बट इसको मैं रोक नहीं सका था अपनी पिछली वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो को वॉच नहीं किया तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, आप जाकर इस वीडियो को भी वॉच कर लेना। एंड वापस इसी वीडियो में हम फिर से ट्राई करने वाले उस ट्रक को रोकने का। एंड यहाँ पे टेस्ला ट्रक से ट्राई करेंगे, पिछली वीडियो में मैंने बहुत सी चीज़ों को से ट्राई किया था बट इस वीडियो में फिर से टेस्ला ट्रक से ट्राई करने वाले कि टेस्ला ट्रक उसको रोक पाती है नहीं। पहले नॉर्मली खड़ा करेंगे फिर उसके बाद ब्लास्ट करके भी देख लेंगे। एंड इसकी जो स्पीड है भाई 50 किलोमीटर है एंड इसको जो रैंक पुशर है उसको एकदम ईजी यूज कर सकते इस ट्रक को। आगे बताऊंगा रैंक पुशर के लिए बहुत ही बेस्ट ट्रक होने वाला है, वो क्यों होने वाला है तो आगे मैं अपने वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो पहले मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ ताकि जैसे यहाँ पे हमारी मतलब बस आए या फिर ट्रेन बोल सकते हो जो कि मिर्जापुर से जाती है कहीं पे भी जाती होगी, मतलब उसके अंदर लिखा होता है जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, आप जाके देख लेना भाई साहब। बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर एड होने वाले वर्जन 1.5 के अंदर। ये जो सारे फीचर्स हैं आपको ग्लोबल के अंदर 100% देखने को मिलेंगे बट BGMI के अंदर आने वाले कि नहीं आने वाले ये मुझे नहीं पता। एंड यहाँ पे देख सकते हो बस आ चुकी है एंड बस स्टार्ट होने वाली है। एक स्टॉप पे
10 सेकंड बस रुकती है, मैं आपको पहले बता देता हूं। एंड यहां पे इसके 10 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं एंड यहां पे हमारा जो बस है स्टार्ट हो चुका है। एंड देखते हैं क्या सीन होता है यहां पे। देख सकते हो भाई इतनी बड़ी ट्रक को भी पलट के एंड मुझे डैमेज भी हो चुका है इस ट्रक के अंदर, तो क्या बोल सकते हो। मतलब यार इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो आप इस जो न्यू यहां पे हाइपर लाइन है, इसको हाइपर लाइन से बोलते हैं जो मैं बस बोल रहा हूं, तीन हाइपर लाइंस को आप किसी भी हाल में स्टॉप नहीं कर सकते। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 10 बंदों की पेटियों की आप एकदम इजी लूट कर सकते हो इस ट्रक को पाकर, तो यहां पे दो पेटियां गिर चुकी है। एंड उसके बाद मैं सारी पेटियों को एकदम इजी यहां पे ब्लास्ट कर देता हूं अपने गन से। एंड यहां पे हमारा ट्रक भी है, वो भी जो ब्लास्ट होने पे आ चुका है एंड इसको भी ब्लास्ट कर देते हैं, देखते हैं बस जा पाते हैं कि नहीं। तो यहां पे देख सकते हो भाई ब्लास्ट ट्रक के अंदर से भी बस चली गई है। तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि आप इस बस को रोकने की ट्राई मत करना, इस हाइपर लाइंस को रोकने की ट्राई मत करना। किस लिए, जो हाइपर लाइन है आप इनको अगर रोकने की ट्राई करोगे थोड़ी डैमेज व्हीकल से तो आपकी व्हीकल ब्लास्ट हो जाएगी एंड उसके साथ साथ आपकी भी पेटी बन जाएगी, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ दिखा दिया था। तो बस भाई लोग आज के लिए बस इतना। एंड यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि मतलब ये रैंक पुशर के लिए क्यों बेस्ट होने वाली है। इसका रीजन यही है कि ये जो ट्रक है ऑटो पायलट मोड पे चलती रहती है, कहीं पे भी चलेगी, इसको कोई ड्राइव करेगा या ना करे ये अपने आप पूरे रेंगल में घूमती रहेगी। तो अगर आप रैंक पुशर हो तो आप अपनी स्क्वाड के साथ, पता नहीं इसमें 16 बंदा बैठ सकता है स्क्वाड, ये मुझे नहीं पता, बट आप इसके अंदर एकदम इजी बैठ जाओगे एंड कोई बंदा सोचा भी नहीं होगा कि इसके अंदर कोई बैठ सकता है, इसलिए ऑटो पायलट मोड पर चलती है। एंड उसके बाद यहाँ पे सारे साइड से मतलब पूरा ब्लैक ब्लैक विंडो लगे होते हैं, तो कोई बंदा एक्सपेक्ट नहीं करेगा ना तो आपको देख पाएगा कि यहाँ पे इसके अंदर कोई बैठा है। एंड आप एकदम इजी यहाँ पे इस ट्रक को लेकर कहीं भी घूम सकते हो, ऑटो पायलट मोड पे चलेगी, आप एकदम इजी ड्राइव करके शांति से कहीं से भी एनिमी के बाजू बाजू से ले जा सकते हो, एनिमी आपके ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं करेगा। बस ये एक ट्रिक था, मतलब आप इसका यूज कर सकते हो रैंक पुशिंग के लिए। तो बस भाई लोग आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड अगर आप किसी अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहते हो तो कर दो यार, आपका एक रुपये भी नहीं लगेगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। एंड इसी और वीडियो जो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर देना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।